परिक्रमा तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन ऐसी परिक्रमा आपने नहीं देखी होगी, क्योंकि इन्होंने अपना पूरा जीवन ही जो है परिक्रमा के लिए समर्पित कर दिया, यानी गोवर्धन महाराज के लिए समर्पित कर दिया है। आप देख सकते हैं, ये आप जो सामने देख रहे हैं, इनकी 1008 माला है, और एक माला उठाते हैं वहां से और दंडौती के रूप में जो है आगे रख देते हैं। इनसे जानेंगे इन्हें कितने साल हो चुके हैं और कितने साल में ये जो है परिक्रमा पूरी होगी, और इनका नाम भी जानेंगे कहाँ के रहने वाले। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। राधे राधे महाराज जी। भैया जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद है सर। विनोद है, थोड़ा सा रुकेंगे आप, थोड़ा सा, बस 2 मिनट लेंगे आपका। विनोद जी, ये बताइए, ये आपकी परिक्रमा कितने साल से चल रही है? ये 7 साल हो गए अभी, दान घाटी से है। 7 साल हो चुके हैं दान घाटी से आपने शुरुआत करी थी, और कितने साल में लगभग ये पूर्ण होगी? लगभग 25 से 30 साल लग सकती है। 25 से 30 साल लगेंगे, अरे धन्य है आप तो। आपको कितनी साल होगी लगाते लगाते? 7 साल हो गए अभी, लगभग 7 किलोमीटर आए हैं। अच्छा, 7 साल में 7 किलोमीटर आए हैं, और अभी यानी कि मतलब 14 किलोमीटर रह रही है आपकी परिक्रमा? 14-15 किलोमीटर। अच्छा भैया, ऐसी कठोर तपस्या क्यों कर रहे हैं आप? क्या मांगा है सब बाबा से आपने? इसने मांगा साहब, मांगने के लिए इंसान की पूर्ति करनी होती है। अरे वाह, अरे कितनी सुंदर बात कही है आपने। देखिए, जिसमें श्रद्धा होगी, जिसमें आस्था होगी, वही इतना कठिन कदम उठा सकता है, क्योंकि अगर आप थोड़े से भी दंड बैठक लगा लेते हैं तो हार जाते हैं, और ये इन भैया के लिए तो धन्य है। ये आप तो देख सकते हैं। भैया, आपकी कभी परिक्रमा रुकी नहीं है? नहीं, रुक जाती है, कोई इमरजेंसी काम होता है। उसमें क्या होता है, जैसे इमरजेंसी, अब एक माला होती है, अगर कभी हमारी छुट्टी हो जाती है तो चारों में फिर डबल करते हैं। अच्छा, छुट्टी जो है वो कम। अच्छा, कभी नहीं लगाई तो दोबारा लगा देते, उसका 2 बार कर देते? 2 बार पड़ जाती है ना तो वो। अच्छा, अभी आपकी, अच्छा आपकी माता जी मर गई थी बता रहे थे आप? माता जी गुजर गई अभी, ये 3रा महीना चल रहा। अच्छा, तो एक महीने के लिए तो आपने वो पूरा किया, फिर डबल किया? अभी अभी डबल नहीं किया है, क्योंकि अभी मौसम गर्मी का है। गर्मी का है, अब जो दीपावली के बाद जो समय आएगा। अच्छा अच्छा, दीपावली के बाद मौसम ठंडा हो जाता है, तो उसमें एक दिन में तो 2 माला होती है। अच्छा भैया, ये बताइए, फिर ऐसा कभी महसूस हुआ आपको कि गिरिराज जी आपके साथ हैं इस काम में? अब गिरिराज जी मेरे साथ है, इसका अनुभव मैं क्या बताऊँ आपको, विश्वास नहीं करूँगा जी। नहीं, विश्वास क्यों नहीं करेंगे बताइए? आप किसी पहलवान आदमी से पूछना कि 1000 दंड करने के लिए कितने भोजन चाहिए? काफी खुराक चाहिए, भोजन नहीं, खुराक चाहिए उसके लिए, बादाम। आप लोग यकीन नहीं करोगे, मैं 7 साल में 100 किलो दूध नहीं पिया होगा, 5 किलो घी नहीं खाया होगा, बादाम और उसकी तो बात। अच्छा, अरे धन्य, कैसे काम कर रहे हैं आपके? यही तो कह रहा हूँ, विश्वास नहीं करेगा आदमी, वही तो कारण है। प्रभु साथ नहीं है तो फिर इसका अनुभव कैसे करें बताइए? सही बात, और किसी विश्वास ना हो तो भाई साथ में रह के देखिए, तो फिर काम भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि काम नहीं करते, काम भी करते। अच्छा, काम क्या करते हैं आप? रेलदारी करते हैं, अब तो मैंने 5-6 महीने हो गए, बैटरी रिक्शा लिया है। अच्छा, तो दिन में भाई चलाता है, अब मैं एक माला करके 1000 आती, यानी कि एक माला करके आप चले जाते हैं अपने काम पर। अरे वाह, मतलब काम भी है और अपनी श्रद्धा भी है और भगवान के प्रति समर्पण भी है। तो बाइक को साथ में, आपकी बाइक है ना, ये बाइक को साथ में लेकर आते हैं, पूरा काम करते हैं, मजदूरी भी करते हैं, रिक्शा भी चलाते हैं, और दंडौती परिक्रमा कर रहे हैं 7 साल से, और 7 किलोमीटर ये अभी तक आगे आए हैं, आगे आए हैं 7 साल। कितनी कठोर तपस्या ये कर रहे हैं, और कुछ मांगा नहीं है, बस ऐसे ही। दोस्तों, इस वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा अपने सत्य सनातन धर्म के लिए शेयर करें, और इन भैया के लिए तो ये वीडियो जो है शेयर अवश्य बनती है, क्योंकि ऐसा प्रण लेना बड़ा ही कठिन होता है, क्योंकि पूरा जीवन ही इसमें जो है इनका निकल जाएगा जी। और सत्य सनातन धर्म में ही ये आपको देखने को मिल सकता है। मेरा निवेदन है इस वीडियो को भर के शेयर करें, ताकि सनातन धर्म का जोर प्रचार प्रसार हो सके। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। राधे राधे।